you all doing? Today we'll do your footprints without feet, chapter number 4. Name of the chapter is A Question of Trust. It is written by Victor Kennedy. Before starting the chapter, let us know about our writer. Our writer was born on 16 June 1911. He was a British writer. He wrote many novels and thrillers. His famous works include The Python Project, The Rain Bird Petrel, etc. And here the noteworthy thing is that among his hundreds of novels, the British has made the movies out of his novels. So in this chapter, we will read about a man. Name of the man is Horace Stanby. वो क्या करता है? He is a thief. वो साल में एक बार चोरी करता है and उससे जो उसको इनकम होती है, जो भी पैसे वो कमाता है, what he used to do with that money, वो उस पैसों से बुक्स खरीदता है. उसको नई नई एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है. तो वो शौक उसके बिजनेस से पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वो एनुअली मीन्स साल में एक चोरी करता है और उससे जो भी पैसे आए उसको संभाल के रखता है नेक्स्ट पूरा साल उसकी बुक्स को खरीदने के लिए. तो लास्ट पे जाकर उसकी इस आदत की वजह से कैसे वो खुद फंस गया, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो विल स्टार्ट द चैप्टर. Everyone thought that Horace Stanby was a good, honest citizen. सबको ऐसा लगता था Horace Stanby एक good citizen है और वो बहुत honest है. He was about 50 years old and unmarried. 50 years का हो गया था वो, but he was still unmarried. And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वो किसके साथ रहता था? एक housekeeper के साथ, और उसके housekeeper को उसकी health की बहुत चिंता रहती थी. In fact, he was usually very well and happy, except for the attacks of hay fever in summer. In fact, उसकी health बिल्कुल अच्छी थी, वो बहुत खुश रहता था, पर summer में उसे hay fever होता था. Hay fever is जब किसी smell से आपको allergy हो जाती है, fragrance से आपको allergy हो जाती है, cold की वजह से आपको fever हो जाए, that is hay fever. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वो काम क्या करता था? लॉक्स बनाता था. एंड इतना सक्सेसफुल था उसका बिजनेस कि वो अपने लिए दो हेल्पर्स रख सके. यस, Horace Stanby वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वो बोल रहा है यस, वो अच्छा सिटीजन था, रिस्पेक्टेबल भी था, सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे, बट अगर हम सच्चाई देखें, ही वॉज नॉट अ ऑनेस्ट सिटीजन. बिल्कुल भी वो ऑनेस्ट नहीं था. 15 ईयर्स अगो Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले एक बार और लास्ट टाइम वो जेल में गया था, और जेल में भी उसको कहाँ रहने का मौका मिला? जेल में जो लाइब्रेरी बनी थी उस लाइब्रेरी में. He loved rare expensive books. उसे रेयर मीन्स जिसकी ज़्यादा कॉपीज नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में वो बुक अवेलेबल है और एक्सपेंसिव है, उसे ऐसे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. Each year he planned carefully just what he would do to store enough to last for 12 months and secretly brought the books he loved through an agent. अब वो क्या करता था? प्लान करता था हर साल एक नई रॉबरी के लिए, और उस रॉबरी से जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते थे उसने एक एजेंट रखा हुआ था. वो उस एजेंट को मनी देता था और वो एजेंट उसको एक्सपेंसिव बुक्स ला के देता था उन पैसों से. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as the others. अब time is July and bright sunshine में वो move कर रहा है, और move करते करते वो सोच रहा है, he was sure कि पहले जैसे मेरी सारी robberies successful हुई हैं, same way इस साल वाली robbery भी मेरी successful हो जाएगी, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. 2 हफ्ते तक वो एक घर, वो घर कहाँ बना है? Shotover Grange की नाम की जगह है, एरिया है, वहाँ पे उस घर की पूरी जानकारी जुटा रहा था वो 2 वीक्स से. लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट पार्क एंड इट गार्डन. वो उसके सारे रूम्स के ऊपर नजर रख रहा था, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, रास्ते किधर किधर से जा रहे हैं, और उसके गार्डन, सब तरफ उसने अपनी नज़र रखी हुई थी. This afternoon, the two servants who remained at Grange while the family was in London had gone to the movies. और उस दोपहर को दो helpers रहते हैं वहाँ पे, जो family है वो London में रहती है, जो दो helpers हैं वो वहाँ रहते हैं, पर वो दोपहर को movies देखने के लिए गए थे.
Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. Horace ने उनको जाते हुए देखा. He was very happy कि वो चले गए हैं, घर पे अब कोई नहीं है, रास्ता साफ है चोरी करने के लिए. But he was feeling tickle of hay fever. उसके nose में tickle, गुदगुदी हो रही थी, because अभी भी वो cold और cough से suffer कर रहा था. He came out from behind the garden wall. His tools carefully packed in a bag on his back. अब वो carefully जो garden की wall है वो कूद के अंदर आया था, और सारे जो tools उसको चोरी करने के लिए safe खोलनी थी उसने, उसको खोलने के लिए जो भी उसको tools चाहिए वो सारे tools अपने उसने bag में डाले हुए थे और उसको अपने bag पे रखा हुआ था. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the green safe. उसने ये भी पता लगाया था कि उस फैमिली में जो घर में जो सेफ है उसमें 15,000 पाउंड्स तक की ज्वेलरी है. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. अब वो सोच रहा है कि अगर वो पेंटिंग्स को वो वन बाय वन ही सेल करेगा तो उसके पास इनफ मनी आ जाएगी कि उसका जो टाइम है पूरा एक साल तो आसानी से निकल जाएगा. There were three very interesting books coming up for sale in autumn. Autumn में तीन बहुत interesting books sale के लिए आने वाली थी. Now he could get the money he wanted to buy them. अब उसके पास वो पैसे भी आ जाएंगे जिससे वो easily उन books को खरीद पाएगा. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा है कि जो housekeeper है उसने kitchen की जो key है वो उसने बाहर जो door के बाहर key hole बनाया है उसके ऊपर वो उसको tie करके चला गया. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने ग्लव्स पहने. He always remained very careful. चोरी करने के बाद कोई अपना निशान नहीं छोड़ के जाता था, तो जब भी चोरी करता था वो ग्लव्स पहनता था. ध्यान रखता था that he should not leave his fingerprints anywhere. तो अभी भी उसने ग्लव्स पहने, चाबी ली और डोर ओपन किया. He was always careful not to leave any fingerprints. As I told you, he was very careful कि कहीं भी कभी भी उसके fingerprints ना रह जाए. A small dog was lying in the kitchen. Its tail made a noise and moved its tail in a friendly way. छोटा सा डॉग था किचन में बैठा हुआ था, वो थोड़ा हिला, उसने थोड़ी आवाज की, and he started moving his tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as it passed. All you had to do was to keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love. अब उसने क्या किया? All right, Sherry. He was very smart. उसने उस डॉग का नेम भी पता किया हुआ था कि उसका नेम क्या है. तो वो बोल रहा है कि इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, अगर आपको डॉग्स को शांत करना है उनका असली नाम आपको पता होना चाहिए और उनको प्यार से बुलाओ, और उनको ऐसा लगेगा कि आप कोई जान पहचान वाले हो, इसलिए वो बाफ नहीं करेंगे और आपको वहाँ से बाइट करके भगाने की कोशिश नहीं करेंगे. द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. जो सेफ थी जिसको वो रॉक करने के लिए आया था वो ड्राइंग रूम में थी. ड्राइंग रूम में बहुत बुरी पेंटिंग है और उस पेंटिंग के पीछे वो सेफ बनाई हुई है. देन होरेस इज सेइंग कि कुछ टाइम के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि बुक्स इतनी इकट्ठी करने से अच्छा है दैट आई शुड कलेक्ट पेंटिंग्स, पिक्चर्स कलेक्ट करूँ मैं. बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर. पर जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत रूम लेती हैं. रूम हेयर स्पेस, जो पेंटिंग्स अगर वो लगाने जाएगा वॉल्स पे तो बहुत जगह जो है वो कवर अप करती हैं. इससे वो बोल रहे हैं कि मेरे घर के लिए बुक्स वर बेटर, कि एक के ऊपर एक बुक इजीली एक जगह पे आ जाएंगी और पेंटिंग्स इतनी उसके लिए उसके घर में स्पेस नहीं है. देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. टेबल था उस घर में, उसके ऊपर फ्लावर्स रखे हुए थे और क्योंकि उसको स्मेल से एलर्जी हो रही थी तो उसका नोज फिर से टिकल होना स्टार्ट हो गया. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. उसने स्नीज किया, छींका वो, और उसने अपना बैग नीचे रख दिया. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. सारे टूल्स उसने अपने सामने केयरफुली अरेंज कर लिए. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्ड. सब उसने कैलकुलेशन की हुई है, वो क्या बोल रहा है, उसके पास अभी 4 hours हैं सर्वेंट्स के आने से पहले ये पूरी चोरी करके वहाँ से निकलने के लिए. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. सेफ खोलना मुश्किल नहीं था उसके लिए, बिकॉज उसका काम ही लॉक्स का है, वो लॉक्स बनाता है और ऐसे लॉक्स कैसे कैसे वो खुलेंगे उसको सब पता है. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑन हिज लाइफ. आफ्टर ऑल उसके लिए मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि लॉक्स के साथ ही और सेफ्स के साथ ही वो अपनी पूरी जिंदगी रहा है. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. घर में अलार्म लगा था कि घर में कोई बाहर से अगर कूद के आए तो वो अलार्म बजेगा, वो अलार्म अच्छे से नहीं बजेगा.
बनाया हुआ था. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर. वो हॉल में गया और हॉल में जाके उसने उस अलार्म की वायर को कट कर दिया. ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. वो वापस आया वायर कट करके और उसने अब की बार लाउडली स्नीज किया क्योंकि वो फ्लावर्स की स्मेल उसे फिर से आ रही थी. हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट. वो क्या सोच रहा है कि लोग जब उनके पास पैसे आ जाते हैं लोग कितने पागल हो जाते हैं. ऐसे फ्लावर्स यहाँ रखने का क्या फ़ायदा, कोई है भी नहीं, फ्लावर्स ऐसे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है. अ मैगजीन आर्टिकल हैज डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम. एक मैगजीन आर्टिकल में उस घर के बारे में पूरा बताया है क्योंकि वो घर बहुत अच्छे डिजाइनर ने डिजाइन किया होगा तो मैगजीन आर्टिकल में उस पूरे घर के बारे में उसके एक एक कॉर्नर के बारे में सब कुछ लिखा था. वो ड्राइंग रूम के बारे में भी लिखा था, पेंटिंग के बारे में लिखा था और पेंटिंग के पीछे सेफ है वो भी उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा हुआ था. द राइटर हैड इवन मेंशन द पेंटिंग हैड अ सेफ. अब उसने ये भी बताया कि इस राइटर ने जिसने वो मैगजीन में आर्टिकल लिखा था उसने ये भी लिखा कि उसकी पेंटिंग के पीछे एक सेफ छुपा के रखी हुई है. बट फॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. अब उसे ऐसा लगा कि उसके काम में जो फ्लावर्स हैं वो रुकावट बन रहे हैं. क्यों रुकावट बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ फ्लावर्स की वजह से ही वो स्नीजिंग अगेन एंड अगेन क्योंकि उसको टिकल हो रहा था. ही बरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ. उसने अपना हैंडकरचीफ लिया और उसको अपने फेस पर रख दिया ताकि उसको उस फ्लावर्स की स्मेल जो है वो परेशान ना करे. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर वे. वॉट इज इट? अ कोल्ड और हे फीवर. फिर पीछे से उसको आवाज़ आई. वो आवाज़ ने क्या बोला, क्या हुआ, कोल्ड हुआ है या हे फीवर है? Before he could think, Forrest said, "Hay fever," and found himself sneezing again. वो कुछ सोच पाता कि घर तो खाली था, कौन आ गया जो मुझसे पूछ रहा है कोल्ड हुआ है कि फीवर हुआ है. ये सब सोचे बिना उसने फटाफट रिप्लाई किया, "Hay fever, that he is suffering from hay fever," and उसको फिर से स्नीज हुआ. The voice went on, "You can cure it with a special treatment." वो जो वॉइस आ रही थी उसने कंटिन्यू किया कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट है उससे आप इसे ठीक कर सकते हो. You know, if you find out just what plant give you the disease, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन से प्लांट से आपको ये डिजीज हो रही है. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर. उसने बोला कि मैं ये सोचती हूँ या सोचता हूँ जो भी था वो उसने बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ दैट यू शुड सी अ डॉक्टर. डॉक्टर से मिलो, उनसे अपना इलाज कराओ. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने वर्क के लिए सीरियस हो. वर्क उसका क्या है, चोरी करना. पर अगर चोरी में उसको बीच बीच में रुकावट आएगी तो अपना पूरा अटेंशन नहीं दे पाएगा अपने काम में. दैट वॉइस सेड, अगर तुम अपने काम से प्यार करते हो तो तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाओ. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. और मुझे तुम्हारी आवाज़ आई. आई वॉज एट टॉप ऑफ द हाउस, ऊपर थी मैं और मुझे ऊपर तुम्हारी आवाज़ आई और तुम्हारी आवाज़ सुन के ही मैं नीचे आई. ओके, सो हु एग्जैक्टली दैट पर्सन विल बी. और वो कौन थी, क्या कर रही थी वहाँ पे, क्या वो कोई सर्वेंट थी उस घर की या वो मालकिन खुद थी. We will read in the next video.